स्टूडेंट्स क्रोयन के टॉपिक से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे आपने ग्रेड इलेवन में इसको डिटेल में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स इसको दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास क्रोयन क्या होता है स्टूडेंट्स नेचुरल प्रोसेस विच कन्वर्ट्स रिफाइंड मेटल टू देयर मोस्ट स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स इस कॉल्ड एज क्रोयन या yeah, स्टूडेंट्स हम इसको एक प्रोसेस कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस ऑफ केमिकल डीके यानी कि स्टूडेंट्स अपन कॉन्टैक्ट ऑफ अ प्योर मेटल विद दैट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स या स्टूडेंट्स ऑन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर आपके पास प्योर मेटल डिजॉल्व होने लगता है एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है बहुत सारी मेटेलिक सरफेस को जंग लगने शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स उस प्रोसेस को प्रिसाइसली हम कहते हैं क्रोइियर है। अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक टिपिकल एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास होता क्या है कि आपके पास आयरन सरफेस है अब स्टूडेंट्स आयरन सरफेस है अब वो आपके पास आ गई है इन कॉन्टैक्ट विद एयर इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास क्योंकि स्टूडेंट्स हर एलिमेंट से रिलेटेड एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके पास आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा है दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स क्या होगा कि वो एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन कॉन्टैक्ट विद Moisture. अब क्या होगा कि उसके ऊपर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गई यानी कि उसने एनोड के तौर पे एक्ट करना शुरू किया ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैथोड की तरफ लेके जाएगा अब अफसोर्स जो आपके पास कैथोड है वो यहाँ पर टिपिकली आपके पास एक्ट कर रही है लाइक दैट ऑफ वाटर यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स और आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आयरन ने रिलीज़ किए हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट कर लेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास आयरन की जो सर्फेस होगी वो डिजॉल्व होने लग जाएगी उसका केमिकल डीके स्टार्ट हो जाएगा और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका क्रोइन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अब स्टूडेंट्स आपके पास जब आयरन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड तो स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर एनोड से कैथोड पे जा रहे हैं आयरन डिजॉल्व हो रहा है और अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है आयरन अपनी प्लस टू में कन्वर्ट होता है देन स्टूडेंट्स वो अपनी प्लस थ्री फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका ये जो केमिकल डी का प्रोसेस है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता चला जाता है जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस आपकी क्रोड होने लगती है तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया आपका क्रोयन का प्रोसेस और हमने उसको हल्का सा डिफाइन कर लिया और उसको एक्सप्लेन कर लिया रस्टिंग स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है आपके पास आयरन अपॉन नेचुरल प्रोसेस ऑफ केमिकल डीके ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन थ्री के अंदर देन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थेरी अगर आप एल्यूमिनियम को कोट करते हैं अपॉन द सर्फेस ऑफ कॉपर यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं आप उसकी सरफेस को कवर करते हैं ताकि क्रोइन ना हो अब स्टूडेंट्स होगा क्या होगा ये कि स्टूडेंट्स अगर कोई कांटेक्ट आ जाता है डस्ट के साथ या एलुमिनियम की सरफेस ख़राब हो जाती है तो स्टूडेंट्स आपके पास बेसिकली क्या होगा बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास ये होगा कि एलुमिनियम का आपके पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर कॉपर पे रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी एनोड पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स क्या होगा कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बीइंग एन एनोड टूअर्ड्स कैथोड कॉपर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और सुनो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि एल्यूमिनियम डिजोल्व होने लग जाएगा एल्यूमिनियम अपनी हाइड्रोक्साइड जनरेट करने लगेगा अब सुनो जब आपके पास एल्यूमिनियम डिजोल्व होने लगा है तो आपके पास क्यों क्योंकि आपके पास एल्यूमिनियम ज्यादा एक्टिव मेटल है हायर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लेस एक्टिव मेटल के साथ जब कांटेक्ट में आया तो आपके पास एक गलवानिक सेल बन जाएगा लाइक डिस्कस कर ली और वही एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दोबारा रिपीट होती है कि आपके पास उस केस में जिसमें एक हाईली एक्टिव मेटल इन कॉन्टैक्ट विद लो एक्टिव मेटल होता है और आपके पास क्रोजन का प्रोसेस हो रहा होता है तो वो मेटल आपके पास डिजोल्व होता है जो ज्यादा एक्टिव होता है यानी कि वो उस पर ऑक्सीडेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है कैथोड की तरफ वो खुद डिजोल्व

प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लेटिंग करके अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं क्रोइन को तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आती है कैथोड कोटिंग एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है एनोड कोटिंग अब जो स्टूडेंट्स आपके पास कैथोड कोटिंग आती है उसमें स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लेते हैं टिन प्लेटिंग की अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि स्टील को हम अक्सर उसकी इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं या टिन प्लेटिंग में क्या आता है टिन प्लेटिंग में स्टूडेंट्स ये आता है कि अक्सर हम, हम स्टील को प्लेट कर रहे होते हैं विद डैट ऑफ टिन ताकि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि उसकी जो सरफेस है वो प्रोटेक्टेड रहे लेकिन स्टूडेंट्स इसका नुकसान होता है वो क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स टिन प्लेटिंग का दूसरा नाम होता है कैथोड कोटिंग कैथोड कोटिंग का मतलब ये है कि आपके पास जिस सर्फिस पे आपने कोट किया हुआ है टिन की सरफेस को वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगी स्टूडेंट्स आपके पास कैथोड कोटिंग का मतलब यहां पे ये यह हुआ कि आपके पास टिन एज अ कैथोड एक्ट करेगी बीइंग अ कवरिंग बीइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर जबकि स्टूडेंट्स जिस सरफेस पे ये कवर्ड है वो आपके पास एनोड के तौर पे एक्ट करेगी यानी कि स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू दैट ऑफ कैथोड तो, तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि एक आप कोई कंटेनर लेते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप स्टील की प्लेट को टिन के अंदर डिप करते हैं और उसको रोल करते हैं हॉट रोलर्स के अंदर एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपकी क्या है प्लेटिंग हो जाती है अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो सरफेस होती है लेयर की यानी कि आपके पास जो सरफेस है टिन की वो हो गई है डैमेज तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आपके पास जो टिन की लेयर है वो डैमेज होगी गल्वैनिक सेल आपके पास बन जाएगा गल्वैनिक सेल के नतीजे में क्या होगा कि आपके पास टिन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रही होगी फ्रॉम दैट ऑफ द एनोड यानी कि स्टील से क्या कर रही होगी इलेक्ट्रॉन्स ले रही होगी एनोड से के थोड़ तक आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी कि टिन डिजोल्व होने लग जाएगी एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो लेयर है टिन की वो भी खराब हो जाएगी उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो लोअर सर्फेस पे जिस मेटल को कवर किया था या जिस मेटल के ऊपर प्लेटिंग की थी स्टूडेंट्स आपके पास वो भी डिजॉल्व होने लग जाएगा एज़ अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ज़्यादा जल्दी कुरयन का प्रोसेस होगा एज कम्पेयर कि अगर हम एनोड की कोटिंग करें ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एनोड कोटिंग या गेल्वनाइजेशन या जिंक कोटिंग का प्रोसेस क्या है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग स्टूडेंट्स ये आपके पास एक अफेक्टिव मैथड होता है इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आयरन है तो आपने आयरन की सर्फेस को जिंक से कोट कर दिया अब स्टूडेंट्स आपके पास जिंक का अगर कांटेक्ट आता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ या एनवायरनमेंट के साथ अगर उसकी लेयर डिस्टर्ब होती है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी यानी कि आपके पास जिंक एनोड बन जाएगी जबकि स्टूडेंट्स आपके पास स्टील के बन जाएगी अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक से एलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टूवर्ड्स दैट ऑफ केथोड जबकि स्टूडेंट्स आपके पास के अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट होती चली जाएगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ फ्लो करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आपके पास डैमेज होगा वो एनोड की सरफेस पे होगा कैथोड की सरफेस पे नहीं होगा दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास जब आप गेलवेनाइज करते हैं किसी सरफेस को जिंक कोटिंग या एनोड कोटिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपके पास ज़्यादा प्रोलॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट लेके आती है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं सर्टिफिशियल क्रोयन क्या आपने जिस लेयर से कवर किया है वही अपने students, आप को क्रोड करे और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो आपके पास अंडरलाइन लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव रहती है दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास ये ज़्यादा बेहतर तरीका है प्रिवेंट करने का क्रोयन को एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कैथोड कोटिंग या टिन प्लेटिंग स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रो प्लेटिंग की जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास सिल्वर की इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो रही है सिल्वर की स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो रही है जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास सिल्वर एज एनोड एक्ट करा है जबकि स्टूडेंट्स आपके पास आयरन केथोर के तौर पर एक्ट करता है आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्रोमेट्स और डाय क्रोमेट्स क्या होते हैं थैंक यू